क्या देख रहा है? तो वही देख रहा हूँ, कहाँ कहाँ पड़ी। नहीं नहीं नहीं, पुलिस का एक अच्छा है, अगर सब सच सच बोल दो ना तो फिर नहीं पड़ती। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो, मैंने पुलिस वाले से सच बोला कि मैंने चोरी की थी, मेरी तो मार मार के पुलिस वालों ने हालत ही खराब कर दी। ये तो बोल के क्या पूछा। नहीं कुछ नहीं, मैंने ये पूछा कि भाई जेठालाल को कब से जानते हो, जेठालाल का व्यवहार कैसा है, तुम्हारा जेठालाल के साथ व्यवहार कैसा है, सोसाइटी में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया है, ये इस तरह के सवाल। कोई ऐसा डरा तो नहीं रहे? नहीं 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 बिल्कुल। टप्पू तू जेठिया को फिर से फोन लगा और मुझे दे। या मुझे फोन कर, तेरी वजह से यहाँ हम सब परेशान हो रहे हैं, हम पे क्या बीत रही है तुझे कैसे बताएं? अयद भाई क्या बातचीत हुई, क्या पूछा उन्होंने आपसे? पूछा कि जेठालाल ने जाने के पहले अपनी बॉडी का चेकअप कराया कि नहीं, दवाई का स्टॉक लिया कि नहीं, बस यही पूछा। हाँ। आत्माराम भिड़े आप आइए। हाँ, हाँ, हाँ। भिड़े एक मिनट, अगर अंदर तुमसे पूछे कि जेठालाल मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देता है कि नहीं देता है तो बोलना देता है, टाइम से पहले दे देता है। अरे पुलिस के सामने झूठ कैसे बोलूं? तुम समझ नहीं रहे हो भिड़े, अगर तुमने ये कहा कि वो मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं देता है तो पुलिस को लगेगा कि जेठालाल पैसे के मामले में गड़बड़ है, घपला कर सकता है, समझो यार। अच्छा अच्छा, लेकिन जेठालाल को समझा देना आइंदा से टाइम पे देना। आप सबसे पूछताछ हो गई है और अब बचे हैं चंपक चाचा और टप्पू। तो चंपक चाचा तुझे जो पूछना है वो पूछ, जितना पूछना है उतना पूछ, मेरा एक ही जवाब रहेगा कि मेरा जेठिया ऐसा कर ही नहीं सकता। पापा, मेरे पापा ने कोई भी घपला नहीं किया और पापा भगौने नहीं है। बस एक बार जेठिया से बात हो जाने से सब सच पता चल जाएगा। और कितनी उम्मीदें हैं आप सबको जेठालाल से? देखिए पांडे साहब, उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी हुई है। हाँ पांडे जी, डूबते हुए का तिनके का सहारा काफी होता है। हाँ आशा अमर है। ये क्या कहावतों की जुगलबंदी चल रही है? अरे जुगलबंदी नहीं चल रही है, यहाँ सबको भरोसा है जेठिया पे कि जेठिया ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो जेठा पर ऐसा कर ही नहीं सकते, आप हम सब पे प्लीज विश्वास करो। हाँ, और जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता मैं मानूंगा ही कि मेरे जेठे ने कोई बैंक का घपला किया है। ओ चाचा जी, आपका बेटा भगोड़ा है, एक नंबर का 420 है, 100 करोड़ का घपला करके विदेश भाग गया है, और आप कहते हैं कि आपका बेटा निर्दोष है, कोई घपला नहीं किया। ओ चाचा जी, कोई भी घपला करने वाला सामने से आके ये नहीं बोलता है कि मैंने घपला किया है करके। मैं वो तो मानते ही नहीं है लोग। अरे लेकिन मैं जेठिया का बाप हूँ बाप, अरे ऐसे कैसे मान लो कि मेरे बेटे ने ऐसा कोई घपला किया है? ऐसे कैसे मान लो कि मैं कैसे घपला किया है? जय हिंद, ड्यूटी पाने का टाइम है। सर मैं कभी से आया हूँ, आप अभी आए? अरे मैं भी सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी गया था। तुम्हें मालूम है ना गोकुलधाम में जाने का टाइम है लेकिन वहां से आने का टाइम नहीं है, तुम लोगों के वजह से मेरे पे डाउट हो रहा है। एक बात याद रखना, पुलिस स्टेशन में मैं कभी भी लेट आऊ ना तो समझ जाना मैं गोकुलधाम सोसाइटी गया था। क्या इन्फॉर्मेशन है? सर ये विदेश से जेठालाल का फोटो आया हुआ। सोनरी आइलैंड से? यस सर। ओह वाव, थैंक यू।
माय गॉड। अंगूर खा रहा है। ये कौन सा फोटो है? अरे बोलो ना, जेठालाल की फोटो है। ऐसा क्या है फोटो में कि पांडे जी ऐसा मुंह बना रहे? पांडे साहब, आप जो ये फोटो देख रहे हैं, ये सचमुच क्या जेठालाल की फोटो है? हाँ, ये जेठालाल के रासलीला और अय्याशी की फोटो है। चाचा जी, आप कह रहे थे ना आपको आपके बेटे के खिलाफ सबूत चाहिए था, तो ये लीजिए सबूत। आप दे सकते हैं। थैंक यू। मेरे से नहीं देखे जाएंगे। जेठालाल, क्या क्या कर क्या रहे हो यार? हो गया देख के? लाओ प्लीज, ये सबूत है। थैंक यू। देखा आप लोगों ने जेठालाल सेनोरिका के 7-स्टार होटल में कैसे अय्याशी कर रहा है? अरे करेगा ही ना, दूसरे का पैसा है। हाँ, एक मिनट, उनको पानी दीजिए, प्लीज पानी पीजिए। तस्वीर देखकर अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि जेठालाल ने घपला किया है। मुझे एक बार जेठिया से बात करनी। चाचा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जेठालाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो काका, सेठ जी ने ये क्या कर दिया? नहीं 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 नहीं, पांडे जी कह दीजिए कि ये सब झूठ है। फोटो देखने के बाद भी कैसे यकीन करूं कि जेठालाल ये सब कुछ कर सकता है? जेठिया, ये तूने क्या कर दिया? इतना बड़ा धोखा, पूरे गड़ा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। हम सबके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, टप्पू के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। तूने क्यों किया जेठा, क्यों किया? चाचा जी, प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम सब आपके साथ हैं, हम सब मिलके कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या 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 करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप बताइए मुझे, क्या करेंगे आप? जेठालाल ने जो 100 करोड़ का घपला किया है, उसे कंट्रीब्यूट करके लौटाएंगे आप लोग? आपने 12 करोड़ कर दिया, आपने 14 करोड़ कर दिया। लड्डू बाबा, तुम कितना कंट्रीब्यूट करोगे? देखिए, आप लोग यहाँ से जाइए, ये चाचा जी और टप्पू से पूछताछ करनी है। लेकिन देखिए पांडे साहब, हम क्या, मैंने कहा ना आप लोग जा सकते हैं।
प्लीज। हाँ चलिए जी, प्लीज जाइए आप लोग। दादाजी का ख्याल रखें। आप लोग अब तक गए नहीं? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, हम लोग चाचा जी और टप्पू को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर मुझे पूछताछ में देरी हो गई तो? चाहे जितनी देरी हो जाए पांडे साहब, हम लोग चाचा जी और टप्पू को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर पूछताछ के बाद हमें इन्हें जेल में डालना पड़ा तो हम भी इनके साथ जेल में चले जाएंगे, लेकिन इनको इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ पांडे साहब, चाचा जी हमारे गोकुलधाम परिवार का अहम हिस्सा है, उनको नहीं छोड़ सकते हम लोग। सही बात है, हम लोग चाचा जी और टप्पू को छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, आप लोग वहां सामने जाकर खड़े हो जाइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू पांडे जी। प्लीज लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में। हम लोग यहीं। आप प्लीज, अगर बैठने की जगह तो बैठ जाइए, अगर नहीं बैठने की जगह तो खड़े हो जाइए प्लीज, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बैठो टप्पू। चाचा जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी। घपला करने वाला तो घपला करके भाग जाता है, उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि उसके परिवार और उसके दोस्तों पर क्या बीत रही होगी। करके यहां रुक जाता हम पकड़ लेते ना। फिर भी आपसे पूछताछ तो करनी पड़ेगी चाचा जी। पर मैं पूछताछ से मना नहीं कर रहा, मैं समझता हूं पुलिस के पास मेरे जेठिया के खिलाफ सारे सबूत, मानता हूं, लेकिन इस दिल का क्या करूं? मान ही नहीं रहा, हर बार यही कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा ही है चाचा जी। अगर ऐसा है तो आप लोगों को तो सब पता है कि मेरा जेठिया कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, तो उसे पकड़ कर यहाँ क्यों नहीं लेकर आते, उसे जेल में क्यों नहीं डाल देते? चाचा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? देखो चाचा जी, कानून के हाथ लंबे तो हैं, लेकिन कायदे से बंधे हुए हैं, और इसी का फायदा उठाकर जेठालाल जैसे लोग फरार हो जाते हैं। हम जेठालाल पर सिर्फ नजर रख सकते हैं, उसे गिरफ्तार करके अपने देश में नहीं ला सकते। अरे क्यों नहीं ला सकते आप? क्योंकि कुछ देशों से हमारी ट्रीटी नहीं। ट्रीटी मतलब एक तरह का संधि करार होता है। जिस देश के साथ हमारी ट्रीटी नहीं होती, उस देश में जेठालाल जैसे बैंक का घपला या कोई गुनाह करके फरार हो जाते हैं और उस देश में जाकर बस जाते हैं। मैं सुबह ही अपने को समझा रहा था यही सब। पैसे देकर वहां की नागरिकता हासिल कर लेते हैं, फिर उस देश की सरकार अपने नागरिक को प्रोटेक्ट करती है। हम उस देश से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे देश का गुनहगार है, इसे हमें लौटा दीजिए। हम कुछ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारी कानून व्यवस्था की अच्छाई का फायदा उठाकर कुछ लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं और बड़े चैन से वहां रहते हैं, पर ये बात भूल जाते हैं कि उनके जाने के बाद उनके परिवार और उनके मित्रों पर क्या बीतती है। चाचा जी और टप्पू, अब मैं जो जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। जी ओके अंकल। ये तस्वीर देखकर आपको यकीन तो हो गया होगा चाचा जी कि आपका बेटा बहुत ही रंगीन है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके बेटे को और क्या क्या शौक है?
उसे बस जलेबी फाफड़ा खाने का शौक है और कोई शौक नहीं। सुबह मसाले वाली चाय पीने का व्यसन है और कोई व्यसन भी नहीं है उसे। वैसे वैसे बहुत सीधा है मेरा जेठिया। सीधा है इसीलिए ऐसा टेढ़ा काम किया है चाचा जी। ऐसे लोग दिखने में बड़े भोले भाले लगते हैं, जब उनके करतूतों का पता चलता है तो उनके इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक भगोड़े का चेहरा नजर आता है। देखो मुझे नहीं लगता मेरा बेटा भगोड़ा है। अरे वो तो किसी के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। अच्छा वो तो सबके साथ मिलजुल के रहने वाला इंसान है। अच्छा चाचा जी मुझे एक बात बताएंगे, उसने ऐसे कहां कहां प्रॉपर्टी खरीद कर रखी है बताएंगे प्लीज? पता नहीं, इस देश में विदेश में कहीं तो उसने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी होगी ना चाचा जी? पता नहीं। अच्छा टप्पू बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का कौन से बैंक में अकाउंट है? पता नहीं अंकल। मुझे पता है कौन से बैंक में अकाउंट है और उन सारी बैंकों में मेरी साइन चलती है। वाह गुड, यस चाचा जी। सरकार को चाहिए तो जितने पैसे चाहिए उतने निकाल सकते हैं। अरे निकालेंगे कैसे, सारे अकाउंट तो खाली है। अच्छा छोड़ो सब बात छोड़ो, गोल्ड में इन्वेस्ट किया है क्या उसने? पता नहीं। अच्छा बॉन्ड्स में तो किया होगा ना? पता नहीं। शेयर्स में? पता नहीं। नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं, ऐसे कैसे पता नहीं? जेठालाल ने इतना बड़ा घपला किया है और बाप बेटे को पता नहीं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। पता नहीं या सच बताना नहीं चाहते चाचा जी? अंकल दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते। बेटा शायद एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हो। अच्छा चाचा जी आपके बेटे ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है बताइए ना, ऐसे परिवार वालों से कुछ छुपा नहीं होता चाचा जी, अब झूठ मत बोलिए चाचा जी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, जो पता था बता दिया। चाचा जी पुलिस को सच तो बताना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है यहाँ से बचने के लिए आपको, इतनी आसानी से हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। अरे हाँ आपकी बहू तीर्थ यात्रा पे गई है ना, हम उनका भी कॉन्टेक्ट कर लेंगे, हम नहीं चाहते कि आपकी बहू को तकलीफ हो, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं चाचा जी कि आपका बेटा जेठालाल कहाँ है? जो कुछ पता था मैंने बता दिया है, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता है मुझे। आपको सब कुछ पता है, आप झूठ बोल रहे हैं चाचा जी। Excuse me. Yes. यहाँ चंपक लाल गड़ा और टिपेंद्र गड़ा। मैं हूँ टिपेंद्र गड़ा और ये है मेरे दादाजी चंपक लाल गड़ा। आप? मैं मिस्टर दवा वाला की असिस्टेंट हूँ। मिस्टर दवा वाला की सेक्रेटरी? ये कौन है? अभी बुलाती हूँ सर। See you in the court. हो गई पुलिस की पूछताछ समाप्त, लेकिन टेंशन समाप्त होता ही नहीं ना हम लोगों के लिए, टेंशन बल्कि बढ़ गया। ये जो जेठालाल के फोटोज हैं, इन फोटोज ने बॉम्ब का काम किया है, गोकुलधाम निवासियों के सर पे बॉम्ब बन के फूटे हैं ये फोटोज, बूम दाम, कितना बड़ा धमाका। फोटो देखे ना, इन फोटो से साफ जाहिर है कि जेठालाल घपला करके भाग गया है और सेनोरिका आइलैंड में मजे कर रहा है। क्या करें साहब, ये टेंशन खत्म होता क्यों नहीं? और ये टेंशन चल ही रहा था, इस बीच में वकील साहब आ गए। इसने बुलाया है, हमने तो नहीं बुलाया। नहीं, जेठालाल ने तो नहीं भेजा, भेज सकता है भाई वो? भाई जो आदमी इतनी बड़ी प्लानिंग करके बैंक का घपला करके भाग सकता है वो वकील भी भेज सकता है।
लेकिन अब वकील साहब क्या करेंगे, सवालों की सुनामी हम सबके दिमाग में दौड़ रही है। और कहाँ है जेठालाल भाई, आपकी बात हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हम सब उसे ढूंढ रहे हैं और बड़े ही परेशान हैं। हमारी हंसी तो गायब है लेकिन आपकी नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.